हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि चांदी के बर्तन और मूर्तियों को बिल्कुल चमचमाता और नया जैसा कैसे बनाएं, और वो भी बिल्कुल केमिकल फ्री। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं चांदी को कैसे चमकाती हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर चांदी की मूर्तियाँ हैं जो कि काली पड़ चुकी हैं। चांदी अक्सर सल्फर और हाइड्रोजन की वजह से काली पड़ जाती है, पर मैं एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करते ही मैं इन्हें बिल्कुल चमचमाता और नया जैसा बनाने वाली हूँ, और वो भी बिल्कुल केमिकल फ्री। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चांदी को चमकाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इमली का, और ये वही इमली है जिसे हम रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। मैंने एक टुकड़ा इमली का रात भर पानी में भीगने के लिए रख दिया था, और ये इस तरीके से भीग चुका है। यहाँ मैंने ले लिया है एक एल्युमिनियम का बर्तन, इसी में ही मैं इस इमली को डालने वाली हूँ। अगर आपके पास एल्युमिनियम का बर्तन ना हो तो आप स्टील वाले बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े या फिर जो दवाइयों के पैकेट के एल्युमिनियम के कवर मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है सर्फ, ये कपड़े धोने वाला है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सर्फ एक्सेल लिया है, और यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है। पानी उतना लेना है जितने में कि ये मूर्तियाँ अच्छे से इसमें भीग जाएं। तो अब मैं इन मूर्तियों को और साथ में जो बर्तन हैं इनको भी इसमें भिगो दूँगी। फ्रेंड्स, पहले मैं चांदी को धोने के लिए इस्तेमाल करती थी दही और नींबू का और साथ में हल्दी का, लेकिन उससे वो चमक नहीं आ पा रही थी। तो जब मैंने इमली से साफ़ किया तो इमली से बिल्कुल नए जैसे और चमचमाते हो गए, तो देख सकते हैं आप। अब मैं इसे लगभग के लिए 2 से 3 घंटे ऐसे ही भीगने दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप इसे 1 घंटा भी भिगो सकते हैं, लेकिन बेटर रिज़ल्ट के लिए आप इसे कम से कम 3 घंटे भीगने दें। अब इनको भीगे हुए कम से कम 3 घंटे हो चुके हैं, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सिर्फ भीगने से ही ये कितने साफ़ हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये गिलास है, ये अंदर से भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, जबकि अभी मैंने इसे किसी भी तरीके से साफ़ नहीं किया है, सिर्फ भिगोया था। और ये कटोरी है, देख सकते हैं कितनी चमक रही हैं और बिल्कुल नई जैसी दिख रही हैं। और ये मूर्ति भी आप देख सकते हैं, पहले कितनी काली थी और अब कितनी साफ़ हो चुकी है। पर अभी मैं इसे हल्का हल्का सा एक बार स्क्रब कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इन्हें हल्का हल्का सा साफ कर लिया है। और ये जो मूर्तियाँ हैं, क्योंकि इनमें डिज़ाइन होते हैं, बीच में कारीगरी होती है, तो इसमें जो है डस्ट जमा हो जाती है, जो कि आसानी से नहीं निकल पाती है। तो इनको निकालने के लिए मैं हल्का सा ब्रश से स्क्रब करूँगी, और ये स्क्रब कम से कम 5 मिनट तक अगर करते हैं तो बिल्कुल चमचमाती हुई हो जाएंगी। और अगर आप सिर्फ 2 मिनट तक करेंगे स्क्रब तो आपकी साफ़ तो हो जाएंगी, लेकिन इनके जो बीच में डिज़ाइंस होते हैं इनमें दरारों के अंदर गंदगी फंस जाती है, जिसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए इसे स्क्रब करना ज़रूरी हो जाता है इस तरीके से। अगर चांदी के गहने हैं तो उन्हें साफ़ करने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन में आप सर्फ डाल करके पानी में उबालें तो उनसे वो बिल्कुल चमक जाएंगे, लेकिन ये भगवान की मूर्तियां हैं तो इन्हें मैं उबालना नहीं चाह रही थी पानी से, तो इन्हें मैंने इमली वाले पानी से ही धोया। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं, अब इन्हें नॉर्मल पानी से धो लेना है, और इनकी चमक, इतनी चमक आ चुकी है कि बिल्कुल नए जैसे बन चुके हैं। आप अपने आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल गिलास नया जैसा हो गया, कटोरी भी बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल नए जैसे बन गए हैं। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये मूर्ति है, इसे पहले मैं पानी से साफ़ कर लेती हूँ। ये पीछे से देख सकते हैं कितनी काली हो चुकी थी, और आगे से भी अब आप देख सकते हैं कितनी साफ़ हो चुकी है। तो इस ट्रिक को आप भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट आपके साथ कैसा रहा है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।